भी दर्शकों को पसंद आ रहा है शाहिद कपूर का गुस्से वाला प्यार। सिर्फ 3 ही दिनों में शाहिद के गुस्से और बेख्याली वाले प्यार ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। तो ये आपको दिखाते हैं शाहिद कपूर की कबीर सिंह की क्रेजीनेस। फिल्म कबीर सिंह का क्रेज दर्शकों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। सिनेमा हॉल में दर्शक टिकट के लिए क्रेजी हो रहे हैं। इधर सिर्फ 3 दिनों में कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। जी हां, पहले दिन कबीर सिंह ने 20 करोड़ की कमाई की तो दूसरे दिन 22 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। रविवार को फिल्म ने धाकड़ कमाई करते हुए 27 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसी के साथ कबीर सिंह शाहिद कपूर के फिल्मी करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है और सबसे तेजी से 70 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म भी। बता दें कि कबीर सिंह नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई, इसे ए सर्टिफिकेट मिला, नॉर्मल टिकट रेट रखे गए और वर्ल्ड कप के बावजूद फिल्म कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर डंका बजा रही है। फिल्म में शाहिद कपूर की दमदार एक्टिंग और कियारा आडवाणी की मासूमियत देखकर दर्शक क्रेजी हुए जा रहे हैं। वहीं फिल्म को क्रिटिक्स से भी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। हालांकि फिल्म के कई सीन्स पर क्रिटिक्स को आपत्ति हुई, लेकिन ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इस पावरफुल लव स्टोरी को देखने के लिए सिनेमा हॉल का रुख कर रहे हैं और फिल्म हिट हो रही है, साथ ही अपने नाम धीरे धीरे कई रिकॉर्ड्स भी बनाती जा रही है। फिल्म के प्रति ऑडियंस का क्रेज देखने के लिए शाहिद कपूर भी सिनेमा हॉल पहुंचे और दर्शकों के बीच कबीर सिंह की सक्सेस को एंजॉय किया। फिल्म की सक्सेस से शाहिद कपूर और उनकी टीम बेहद खुश है। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी फिल्म को काफी तारीफें मिली हैं। कुल मिलाकर शाहिद कपूर ने सिल्वर स्क्रीन पर कबीर सिंह के जरिए दमदार वापसी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।